ओम शांति। क्या आप भूतकाल में रहते हैं? बार बार भूतकाल की बातें, पास्ट की बातें याद करते हैं, रिपीट करते हैं, दूसरों के साथ बोलते समय उन्हीं बातों को आप बार बार रिपीट करते हो, तो समझ लेना जबरदस्त इमोशनल अटैचमेंट अपने भूतकाल से है। क्योंकि भूतकाल की कई बार हम जो बातें याद करते हैं ना, मेजॉरिटी टाइम्स वो है दर्द से भरी हुई, इंसल्ट से भरी हुई, या फिर किसी ने आपको कोई गलत टाइप की ट्रीटमेंट दी उसके, और उसको तो हमने अपने बुद्धि रूपी फ्रीजर में इस प्रकार से सेव करके रखा है कि आज भी अगर आप उसे याद करते हो ना, तो 20 साल पहले की बात आज भी आपको वो ड्रॉवर निकालने के बाद, याद करने के बाद ऐसे लगेगी जैसे अभी अभी हुई है, अभी अभी फ्रेश वो घटना हो गई है। और उसके जो फीलिंग्स उसे याद करने के बाद जो महसूस होता है, वो आपको ऐसे लगेगा बस अभी अभी इंसल्ट हुआ है। और इसका असर हमारे शरीर पर होता है। एक ने मुझे कहा, एक बार उन्होंने गेस्ट को अपने घर बुलाया था स्पेशल डिनर के लिए। गेस्ट सारे आ गए और उन्होंने बहुत प्यार से खाना परोसा, सभी खाना खा ही रहे थे तो एक ने तुरंत कहा, अरे आज खाने में तो नमक ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और जैसे उन्होंने ये कहा, उनको बहुत फील हो गया। उसके बाद उनके दिमाग में हमेशा ये रहा, जब भी उनको वो इनवाइट करेंगे तो उनके दिमाग में यही बात, ये व्यक्ति सभी के सामने इन्होंने मेरी इंसल्ट की, मेरी कमी दिखाई। कई बार रिश्तों में, पास्ट में हम ये देखते हैं, कोई इंसल्ट करेगा, कोई टिका करेगा, कोई सबके सामने आपको बोलेगा, आपकी भूल बताएगा। और कभी तो पास्ट में कोई एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो बात ऐसे दिमाग में बैठ गई कि वो बात बैठने के बाद अभी जब भी गाड़ी चलाना का बोलते हैं तो तुरंत ये लगता है एक्सीडेंट तो नहीं होगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तो वो एक डर अंदर में बैठ गया। और इसलिए अपने मन में अगर मैंने ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी बात या किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ किया हुआ बुरा व्यवहार अगर मुझे बार बार याद आता है, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये मेरी मेंटल एनर्जी को नष्ट करता है, ये मेरी फिजिकल एनर्जी को ड्रेन आउट करता है और मुझे प्रेजेंट में जीने ही नहीं देता है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जैसे कोई एक बहुत अच्छे फंक्शन की तैयारी की आपकी बातचीत चल रही है और अचानक कोई आपको उस व्यक्ति की याद दिला देता है जिसने आपको सबके सामने बहुत भला बुरा कहा, तुरंत आपका चेहरा एकदम उतर जाता है, आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है, आपकी खुशी गायब हो जाती है। और फिर आप इस प्रकार से कहेंगे, वो व्यक्ति तो मेरे दिमाग से ही नहीं जाती है, प्लीज आप उनकी याद मुझे बार बार मत दिलाओ। इस प्रकार से अपने मन में बार बार बीते हुए कल को याद करना, उनको बार बार रिपीट करना, इससे मैं प्रेजेंट समय का अपना आनंद खो रही हूं, मैं अपने वर्तमान क्षणों को खो रही हूं और मैं वर्तमान क्षण का आनंद ही नहीं ले पा रही हूं। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 10-20 साल पहले की घटना है, लेकिन आज भी भुला नहीं पाते हैं, आज भी उस व्यक्ति की याद में रोते हैं। कई लोग आज भी ये सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति के बिना जी नहीं पाऊंगी, हर क्षण उनकी याद में वो रहते हैं और आज का आनंद नहीं ले पाते हैं। प्लीज
भूतकाल की बातों को भूल जाइए। भूतकाल की जो बातें दुख देने वाली है, दर्द देने वाली है, जो बातें मेरी मेंटल एनर्जी को नष्ट करने वाली है, इन बातों को मुझे आज से भुला देना है। जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया, मुझे उनको भी माफ करना है, भुला देना है, क्योंकि तभी मेरा मन शांत होगा, स्थिर होगा। कई लोग कहते हैं, भगवान भी उतर आया ना तो भी हम उस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी, इतना जबरदस्त गुस्सा मन के अंदर भरा हुआ है। भाई, आप मन में रखकर क्या करना चाहते हो? इस नेगेटिव इमोशन को, इस गुस्से को मन में रखने के कारण इसका परिणाम, इसका असर दूसरे पर नहीं होगा। जिसके लिए इतना गुस्सा है, वो तो व्यक्ति कहां का कहां चला गया, उसने बहुत सारी उन्नति कर ली, और जो गुस्सा कर रहा है या जो उस नेगेटिव बात को अपने मन में रख रहा है, उसका असर मन, शरीर और हमारे कार्य व्यवहार पर हो रहा है। सो प्लीज, आज से अपने ऊपर एक रहम करो, अपने ऊपर एक दया करो, अपने ऊपर एक कृपा करो, और वो कृपा अपने मन को आज क्लीन करना है। पास्ट इज ओवर, वो रोल खत्म हो चुका है। वो ड्रामा था, वो एक इस नाटक का सीन था, जो इस नाटक के इसमें वो लपेट गया है रोल। लेकिन आज जो है वो बहुत सुंदर है, मुझे इसका आनंद लेना है, और वो आनंद लेने के लिए मुझे खुशी खुशी से अपने मन का क्लीनिंग करना है, मन को साफ करना है। और मन को साफ करने के लिए मुझे बार बार अपने मन को यही कहना है, जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया, वो मेरा एक कर्मिक अकाउंट था, एक हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब पूरा हुआ। माय कर्मिक अकाउंट इज ओवर, अभी मुझे नया कर्म बनाना है, बहुत श्रेष्ठ बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि मुझे शांति से जीवन जीना है, मुझे भगवान के इस दिन को बहुत सुंदर तरीके से जीना है। और इसलिए आज शांति में बैठकर पेपर और पेन लेकर लिस्ट निकालिए उन लोगों के, जिन लोगों को आपने माफ करना है, भुला देना है। जिन लोगों को माफ करना है, भुला देना है, हो सकता है कई बार आपका मन आपको बहुत जबरदस्त विरोध करेगा, नहीं नहीं मैं इनको नहीं माफ कर सकता, समझ लेना वहीं पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक जबरदस्त मेंटल ब्लॉक है, जो मेंटल ब्लॉक आपके जीवन में सुख को, शांति को, सबको ब्लॉक कर रहा है। तैयार हो जाइए, मन को तैयार कर दीजिए, और बैठकर एक एक व्यक्ति का चेहरा सामने लाकर, जिसके साथ हमारे रिश्ते में कुछ अनबन थी, कुछ कुछ था, उसको बैठकर माफ करना है, बुद्धि से निकाल देना है, और देखे मन शांत हो जाएगा, स्थिर होता जाएगा, मन शुभ सोचना शुरू करेगा, और हमारे से एक प्रेम की एनर्जी चारों तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। चले एक बहुत सुंदर प्रेम की दुनिया की ओर, शांति की दुनिया की ओर। ओम शांति।